आज हम एमएस वर्ड की क्लास में होम टैब के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड। ये ऑप्शन जो दिख रहा है इसके अंदर कुछ और मेन्यूज जो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दिखेगा पेस्ट स्पेशल, इसको भी हम आज देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। क्लिपबोर्ड एक मेमोरी होती है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लिपबोर्ड को एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड के बारे में आपको बता दूं, क्लिपबोर्ड कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका काम होता है कॉपी पेस्ट करना। इसकी वर्किंग हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये क्लिपबोर्ड है। मैं इस बॉक्स को क्लिपबोर्ड बोल रहा हूँ। और अगर आप कोई भी कंटेंट कॉपी करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे या कंट्रोल सी करेंगे, तो ये जो डेटा है वो कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में। और उसके बाद आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर देंगे, तो जब यहाँ से जब पेस्ट करते हैं तो ये डेटा आता है क्लिपबोर्ड से। इसका मतलब है जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं वो जाता है क्लिपबोर्ड में, और फिर जब पेस्ट करते हैं तो वो आता है क्लिपबोर्ड से। तो क्लिपबोर्ड एक मेमोरी होती है जिसका काम होता है कॉपी करने वाले डेटा को इकट्ठा करके रखना। क्लियर है? तो कॉपी करते समय, कॉपी करने का मतलब होता है हमारा जो डेटा है वो शिफ्ट होता है क्लिपबोर्ड में, और पेस्ट का मतलब होता है हमारा जो डेटा है वो शिफ्ट होता है क्लिपबोर्ड से जिस लोकेशन पर हमको पेस्ट करना है। क्लियर है? तो क्लिपबोर्ड के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास एमएस वर्ड में उपलब्ध होते हैं। तो हम यहाँ पर एमएस वर्ड में इस क्लिपबोर्ड से उसको देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कुछ और एडिशनल ऑप्शंस देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साई कॉलेज। क्लियर है? साई कॉलेज को जैसे ही मैंने यहाँ पर, सबसे पहले देखिए ये मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, अभी ये देखिए डिसेबल है, इसको डिसेबल बोलते हैं। डिसेबल का मतलब है ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा ऐसा डिम जैसा दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसके रिलेटेड सारे ऑप्शंस जो है वो ओके हो गए हैं, या आप इसको कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो और फिर पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? सबसे पहले मैं क्लिपबोर्ड में यहाँ साइड में जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे हम लोग, छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करते साथ ही यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड का पैनल यहाँ पर आ गया है। और क्लिपबोर्ड का पैनल यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने कॉपी करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा साई, और दूसरे जगह लिखा मैंने साई कॉलेज, और यहाँ लिखा पीजीडीसीए। अब मैं पीजीडीसीए को कॉपी करने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही कॉपी करूंगा तो ये क्लिपबोर्ड व्यूअर में आपको दिखाई देगा। ये जो पैनल है इसको क्लिपबोर्ड व्यूअर बोलते हैं। तो जो भी चीज हम कॉपी करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड व्यूअर में आ जाता है। देखिए मैंने अभी इसको कॉपी किया है, अब मैं साई को कॉपी करने जा रहा हूँ, या आप राइट क्लिक करके करिए, कैसे भी कॉपी करिए, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है वो यहाँ क्लिपबोर्ड में दिखाई दे रहा है। तो आप जहां भी पेस्ट करेंगे तो क्लिपबोर्ड से वो डेटा यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो साई जो है वो पेस्ट होगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए साई पेस्ट हो गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पीजीडीसीए पेस्ट हो, तो ये पीजीडीसीए को आप यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमने देखा क्लिपबोर्ड व्यूअर। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लिपबोर्ड को समझाइए, तो क्लिपबोर्ड कुछ भी नहीं है, एक मेमोरी होती है। कॉपी करने वाला डेटा यहाँ पर पहुंच जाता है। आप देखिए मैंने साई को कॉपी किया था, और साई और पीजीडीसीए सबको डिलीट कर दिया यहाँ से, फिर भी जब मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पीजीडीसीए आ गया, क्योंकि वो क्लिपबोर्ड से आ रहा है जबकि पुरानी लोकेशन से नहीं आ रहा है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो डेटा है वो कॉपी करते साथ ही होने वाला क्लिपबोर्ड है। में पहुंच गया है, और क्लिपबोर्ड में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, वहां से आता है। अगर ये डेटा को हम हटा भी देते हैं यहाँ से तो भी वो क्लिपबोर्ड में रहता है। क्लियर है? तो क्लिपबोर्ड वो मेमोरी है जो कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज होती है। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड को हैंडल करने के लिए एक मेन्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप क्लिपबोर्ड को देख सकते हैं। जैसे ये वाला बटन जो दिख रहा है, इससे आप क्लिपबोर्ड व्यूअर को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड
क्लिपबोर्ड व्यूवर दिख रहा है और इसमें 24 कॉपीज हो सकती हैं। तो इसकी जो स्पेस होती है वो 24 की होती है, जिसमें से दो आप यहाँ पर कॉपी कर चुके हैं, यानी 24 एलिमेंट्स वो एक साथ कॉपी कर सकता है और पेस्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ हम इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड व्यूवर का ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, उसका पेस्ट स्पेशल भी समझेंगे। तो आप देखेंगे ये जो कट कॉपी एंड पेस्ट, ये तीनों है वो दो दो की कॉम्बिनेशन में रहते हैं, सिंगल ये कभी वर्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉपी और पेस्ट, और सेकंड ऑप्शन होगा हमारा कट और पेस्ट। क्लियर है? तो ये दोनों जो चीजें हैं वो पेयर पे होती है, यानी कि ये ग्रुप में होती है तभी काम करती है। क्लियर है? तो कॉपी करने के बाद ही पेस्ट होगा या फिर कट करने के बाद ही पेस्ट होगा। क्लियर है? तो कॉपी करके पेस्ट हम कब करेंगे और कट करके पेस्ट हम कब करेंगे वो देखते हैं। इसका प्रोसीजर सिंपल वो होता है, जैसे हमें कोई डिटेल कहीं पर डुप्लीकेट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वो पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम यहाँ पर पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे हम, ये मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया फॉर्मूला लिख करके। अब मैं यहाँ पर चाहता हूं कि ये वाला जो डिटेल है मेरा डॉक्यूमेंट, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो, और इसको बोल्ड करके बड़ा भी कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा वाला जो चीज है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये दो तीन जगह पर आए, तो मैं इसकी कॉपी करूंगा और उस जगह पे कर्सर को रखूंगा जहां पर मुझे उसकी कॉपी चाहिए, और यहां पर फिर पेस्ट कर दूंगा। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको पेस्ट का भी ऑप्शन आएगा। देखिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक, इस तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने का दो तीन तरीका होता है, या तो आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस वी उसका शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर माउस रखेंगे उसमें भी ऑप्शन आता है, या तो पेस्ट करने का हमारे पास कई तरीका है। यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, और कट पेस्ट हम तब करेंगे जब यहाँ से हटा करके ये चीज, हमें ये लाइन हटानी है और यहाँ से हटा करके दूसरी जगह लानी। चलिए कॉपी पेस्ट फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और आप कोई कंटेंट को दो जगह चाहते हैं, यानी कि सेम कंटेंट आपको दो जगह चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। कॉपी करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करके हम बताते हैं कंप्यूटर को कि कौन सा एरिया कॉपी करना है, फिर यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने का तीन तरीका होता है, आप राइट क्लिक करिए कॉपी कर लीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक करिए, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। आप इसका शॉर्टकट यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल और सी। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए तो कॉपी हो जाएगा डेटा, और फिर आप दूसरी जगह पर रखिए जहां पर आपको इसकी कॉपी चाहिए, कर्सर वहां पे रखेंगे और फिर पेस्ट करना है। कॉपी होता है लेने के लिए और पेस्ट होता है वहां पर चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आ गया। तो ये मल्टीपल टाइम्स आपको डिस्प्ले होगा, यानी कि एक से अधिक कॉपी क्रिएट हो जाती है। तो मान लीजिए एक पैराग्राफ की हमको दो कॉपी चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और इसी के नीचे कर्सर रख देंगे यहाँ पर और पेस्ट कर देंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट। कॉपी करते हैं देन पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों पेयर में होते हैं। अब इसको हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कट पेस्ट। कट पेस्ट को हम कब यूज करेंगे, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हमको या कोई हिस्सा हमें यहाँ पर से हटा करके यहाँ पर लाना है, या कि मूव करना है, या उसका प्लेस चेंज करना है, तो हम कट पेस्ट करेंगे। कट पेस्ट करने के लिए पहला स्टेप होता है, आप उसको सेलेक्ट करिए जिसको आपको हटाना है और कट करेंगे आप। कट करने के लिए भी तीन तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करिए कट पे क्लिक करिए,
यहाँ पर कैंची जैसा निशान बनाएं, या फिर यहाँ पर क्लिक करिए, या फिर कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट होता है। क्लियर है? आप शॉर्टकट यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल एक्स। तो जैसे ही मैं यहाँ से कट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद आप कर्जर को वहां पर रखिए जहां पर आपको ले आना है, फिर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये जो रेड वाला जो हिस्सा था जो ऊपर में था वो मूव होके कहाँ पर आ गया है, नीचे आ गया, तो ये कट पेस्ट हुआ। क्लियर है? ये मूव होके नीचे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कट और पेस्ट का यूज किया, कॉपी और पेस्ट का यूज किया, और ये दोनों आपके पेयर में दिखे, पेयर में थे। अब हम एक नया ऑप्शन देख रहे हैं जो है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसा काम करता है और इसका यूज क्या है। तो पेस्ट स्पेशल को यूज करने के लिए दो कंडीशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो है पेस्ट स्पेशल तभी एक्टिव होगा जब आप कोई डेटा कॉपी करेंगे, और दूसरा पेस्ट स्पेशल तभी काम करेगा जब आपने कोई डेटा अपनी फाइल को सेव कर रखा है। पेस्ट स्पेशल करने के पहले फाइल को जरूर सेव करिए, अदरवाइज पेस्ट स्पेशल काम नहीं करेगा। ठीक है, कई लोग पेस्ट स्पेशल करने के पहले फाइल सेव करना भूल जाते हैं। सबसे पहले आप सेव कर लेंगे फाइल को तभी वो काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा साई कॉलेज, और साई कॉलेज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसकी फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया ताकि मुझे पता चले कि इसको, और इसको बोल्ड कर दिया है मैंने। फॉन्ट का कलर और थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ब्लू। ये अब पेस्ट स्पेशल होने को रेडी है। मैं इसको पेस्ट स्पेशल करने वाला हूँ। पेस्ट स्पेशल करने का भी यही स्टेप होता है, कॉपी पेस्ट होता है ना, वैसा ही होता है। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल करने के पहले आप इसको सबसे पहले कॉपी करिए। मैंने कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप दूसरी जगह पर इसको ले जा करके पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि पेस्ट स्पेशल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं पेस्ट स्पेशल की बात कर रहा हूँ। पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट लिंक का ऑप्शन आता है। ध्यान देना, आपको पेस्ट लिंक का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। पेस्ट लिंक का ऑप्शन करते ही यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर पेस्ट लिंक से भी सेम चीज यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेस्ट लिंक मैंने किया है, और फिर दूसरी जगह मैं जा रहा हूं। यहां से मैंने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल कर दीजिए, पेस्ट लिंक कर देंगे आप। मैंने इसकी कॉपी बनाई और यहां पर जाकर के पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट लिंक। ठीक है, फिर मैंने दूसरी जगह गया, यहाँ पर भी मैं गया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक। मैंने तीन चार जगह पे रखा है उसको, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक। तो आपको यहाँ पर सिंपल सी चीज देखने के लिए मिल रही होगी कि ये डॉक्यूमेंट को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया है। सब जगह पे मैंने क्या किया है, पेस्ट किया है। जबकि हम, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने इसकी कॉपी की है, कॉपी एंड पेस्ट किया है, कॉपी एंड पेस्ट किया है, कॉपी एंड पेस्ट किया है। जबकि यहां पर हमने कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल किया है, कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल किया है, कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल किया है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है पेस्ट स्पेशल में, तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में, तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या दोनों में अंतर है। यहां पर पेस्ट स्पेशल करने से फायदा क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग चेंज की। जैसे मैं डॉक्यूमेंट की पहले वाले की स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ।
तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो सब जगह ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि आप अपना नाम यहाँ पर लिखे हैं, एक बार मान लीजिए अपना नाम मोहित है और आपका नाम यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में 1000 बार आ गया है। जैसे ये कोई किसी की बुक है जिसमें सब्जेक्ट का नाम आया है एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एमएस ऑफिस की स्पेलिंग चेंज करनी है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखनी है, तो यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूंगा साइंस कॉलेज भिलाई, देखिए मैंने पहली स्पेलिंग चेंज की, बाकी सारी जगह पे अपने आप स्पेलिंग चेंज कर दी। इन दोनों के बीच में लिंक बना होता है, ये यहाँ पर मैं जो भी चेंजेस करूंगा यहाँ पर अगर मैं कुछ मिटाता हूँ तो वहां पर ऑटोमेटिक चेंजेस आएगा। यानी कि आपके आपके पास मान लीजिए कोई बुक लिखी हुई है जिसमें 1000 पेज है और 1000 पेज में करीब 50 से 60 हजार बार सब्जेक्ट का नाम आया है या कॉलेज का नाम आया है, तो आपको अगर कॉलेज का नाम चेंज होता है तो बुक में 50 हजार बार चेंजेस करने पड़ेंगे स्पेलिंग जा जाके, या फिर रिप्लेस ऑल करना पड़ेगा या फिर कुछ और ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप हाइपरलिंक या पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, तो पहला जगह पर आप जब भी चेंज करेंगे जो सबसे पहला सोर्स था तो बाकी जगहों पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप कर्सर यहाँ से हटाते हैं या थोड़ी देर के बाद देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, सब जगह लिंक बना होता है। जबकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो ये रेड वाले में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये अंतर होता है नॉर्मल कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल का यूज तब किया जाता है जब हम रिप्लेस ऑल ऑप्शन को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्ट्रिंग की जो मैचिंग होती है पैटर्न दूसरे तरीके से भी मैच होता है, तो हम आग बंद करके रिप्लेस ऑल नहीं कर पा रहे होते हैं। उस जगह पर हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं तो हमें कन्फर्म होता है कि वो एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पर मॉडिफिकेशन होगा जहां पर हमें चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, क्लिप बोर्ड के नाम से क्वेश्चन आता है, और कई पेपर में आपने क्लिप बोर्ड, पुराने पेपर उठाइए वहां पर क्लिप बोर्ड नाम से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने क्लिप बोर्ड के साथ साथ पेस्ट स्पेशल को भी देखा, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के होम टैब में उपलब्ध होता है। यहाँ पर एक्चुअली क्लिप बोर्ड उपलब्ध नहीं है, क्लिप बोर्ड एक इंटरनल मेमोरी होती है, इसको क्लिप बोर्ड व्यूअर बोलते हैं। यहाँ से हम क्लिप बोर्ड को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ अपने तरीके के ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इसमें से पूछ सकते हैं।